नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों को शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के संबंध में निर्धारित समय सारणी के स्थान पर संशोधित समय सारणी आ चुकी है। मतलब जो डेट पहले थी उसमें थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ होगा उसके बारे में हमारा ये वीडियो है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या हुआ है चेंज। तो चलिए दोस्तों, ये आदेश आया हुआ है 1 मार्च का, कल का। ये देखिए क्या संशोधित समय सारणी आ चुकी है। ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, वापस चलते हैं क्या क्या करना है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए हैं देख लीजिए। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और पोर्टल लाइव किया जाना 28 अप्रैल 2023 से। अध्यापक द्वारा मानव संपदा पोर्टल विवरण त्रुटि प्रदर्शित होने की दशा में पोर्टल पर आपत्ति अंकित करेंगे 1 मई से 8 मई तक। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आपत्ति निवारण होगा 16 मई 2023 तक। सरप्लस अध्यापक व डिफिशियंट विद्यालय को सूची ऑनलाइन प्रदर्शित होगी 22 मई 2023 तक। अध्यापक द्वारा स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन विद्यालय का विकल्प भरा जाएगा 23 मई 2023 तक, ठीक। आगे चलते हैं, इससे 29 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के उपरांत सत्यापित आवेदन पत्रों के आधार पर डाटा लॉक किया जाएगा 30 मई से 7 जून तक। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर द्वारा स्थानांतरण कार्रवाई किया जाएगा 8 जून से 14 जून तक। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर द्वारा समायोजन की कार्रवाई किया जाना है 15 जून से 22 जून तक, ठीक है। आगे देखिए क्या है, कारभार मुक्ति और कारभार ग्रहण 27 जून तक कर लेंगे, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी कार मुक्त और कारभार ग्रहण का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अंकित किया जाएगा 30 जून तक। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपयुक्त अनुसार संशोधित समय सारणी के आधार पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के संबंध में अग्रतर कार्यवाही करने का सुनिश्चित करें। यहाँ पे हमारे विजय किरण आनंद सर का साइन है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और के साथ, तब तक बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों।